गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है? तो बेटा जो इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन एंड हायर मेंबर ऑफ द फैमिली, हम उनको यहाँ देखेंगे भी किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट मेथड है बेटा वो है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो आप देखेंगे भी एक तो बेटा बनेगा इथाइन, जबकि जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो यहाँ से रिमूव होगा। तो अपनी रिएक्शन है बेटा कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, ये आपको देगा। देखो दो कार्बन है, यहाँ से दो हाइड्रोजन बेटा लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, प्लस जो कैल्शियम है वो टू हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका मतलब हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन कितनी होगी, चार। चार में से दो कार्बन के साथ जुड़ के ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, जबकि बेटा दो हाइड्रोक्सिल कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, इथाइन बन गया बेटा, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड है बेटा नीडेड फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें इस कैल्शियम कार्बाइड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा हमें, जब हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको हीट करेंगे 2270 केल्विन पे, तो ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे बेटा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा अपना कैल्शियम कार्बाइड प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, इथाइन बनाने के लिए। तो अगर बेटा प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर में देखिए, जो स्मॉल पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है आर प्लेस ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए कॉनिकल फ्लास्क। अगर हम अरेंजमेंट देखें तो देखिए बेटा ये हमारा अरेंजमेंट रहेगा इसके अंदर। तो इस अरेंजमेंट में देखो क्या है, ये बेटा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें सैंड के ऊपर हमने क्या किया, जो अपने कैल्शियम कार्बाइड है वो डाल दिए, और ऊपर से क्या कर रहे हैं बेटा, हम वाटर ऐड करवा रहे हैं। तो जब इसमें रिएक्शन होगी तो गैसेस क्या होंगी, इस पाइप के द्वारा इन सिलेंडर में आएंगी। एक में बेटा हमने लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, दूसरे में लिया हमने ब्लीचिंग पाउडर। अब ये क्यों लिया गया इन दोनों के अंदर, वो बेटा इसलिए लिया क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है या जो फॉस्फाइन गैस है वो बेटा क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और जो अब सिंपल इथाइन है वो बेटा इस पाइप के द्वारा हमें सिलेंडर में इकट्ठी हो जाएगी। तो यहां देखें भी इस खाली स्पेस में जो एसिटाइलिन गैस है, इथाइन गैस, वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो प्योर एसिटाइलिन है इज देन कलेक्टेड, इसको हम कलेक्ट करेंगे ओवर वॉटर, सिंस इट डज नॉट डिजोल्व इन इट, क्योंकि ये वॉटर में डिजोल्व नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा बेटा आपका सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए, तो सेकंड पॉइंट में देखो जो हम बात करेंगे वो है बेटा बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन सोडियम एसिटेलाइड। मतलब सोडियम एसिटेलाइड पे हम अटैक करवाएंगे किसका, अल्काइल हैलाइड का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सोडियम बेटा अपने पास क्या एसिटेलाइड वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या है, हम क्या कह रहे हैं, बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड
ऑन सोडियम एसिटेलाइट, इसके लिए देखो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं एन ए एन एच टू। अब क्या होगा बेटा, यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगी, जो सोडियम है ये इसकी जगह पे जाएगा, तो क्या बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, ठीक है। जबकि ये हाइड्रोजन इस एन एच टू के साथ जुड़ के क्या बना देगी अमोनिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो सोडियम एसिटेलाइड है इसके अंदर बेटा अल्काइल हैलाइड डालेंगे, इसे मान लो आपने डाला सी एस थ्री बी आर। अब आपको पता है ये ले लेगा माइनस, ये प्लस, ये यहां देगा माइनस प्लस, तो सोडियम देखो ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड, तो प्रोडक्ट बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, जबकि ये बनेगा सोडियम ब्रोमाइड। तो बेटा ये हमारे पास देखो एक दो तीन कार्बन है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है, क्या बनेगा आइन, बन गया प्रोप आइन। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन बेटा जो आती है वो है थर्ड पॉइंट है, जैसे बाय द डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन। भी हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे किसका, डाई हेलो अल्केन का। तो इसमें आपको क्या दिया सी एच टू बी आर, सी एच टू बी आर वन टू, तो नाम है बेटा वन टू डाई ब्रोमो इथेन। इसकी हमने क्या करनी है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है बेटा। तो इसकी सहायता से भी हम क्या बना सकते हैं, जो अपने पास बेटा इथाइन है वो बढ़ा सकते हैं। तो देखो इसकी जो रिएक्शन होगी वो बेटे टेक प्लेस करेगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं भी ये यहां पे गया माइनस, ये क्या है प्लस। तो देखो बेटे अब क्या होगा, एक पोटाशियम ये ब्रोमीन लेगा, देखो ये यहां पे आया लेके इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव, तो पोटाशियम इसको लेके चला गया। जबकि हम क्या कहें भी इसी तरह से आप देखोगे इसके अंदर भी जो अपने पास बेटा ये प्लस का है, ठीक है, आप देख रहे हैं, और इधर अपने पास सी एच टू के साथ क्या है बी आर जुड़ा हुआ है। तो हम यहां से क्या करेंगे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस ओ एच के साथ क्या करेगी वाटर बनाएगी। तो देखो ये जब हाइड्रोजन यहां पे जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन, मान लो ये दो हाइड्रोजन है, ये इसको दे के जा रहा है बाहर, तो माइनस हो गया। तो एक तो देखो के बी आर अलग, एक वाटर अलग, तो यहां क्या रहेगा सी एच टू, इसके साथ डबल बॉन्ड, देखो ये प्लस है ये माइनस है डबल बॉन्ड, ये क्या रहेगा सी एच, और इधर क्या है बी आर। अगेन इसमें क्या करो के ओ एच डाल दो, फिर से बेटा देखो माइनस प्लस, ये बनेगा के बी आर, माइनस का के बी आर, और यहां से एच निकलेगी ओ एच वाटर, तो क्या बन जाएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच बन गई इथिन। अब जब क्या होता है एडजेसेंट कार्बन पे सेम हैलोजन है, तो बेटा इसको नाम दिया जाता है विसिनल डाई हैलाइड का। एक इसी तरह अपने पास होता है जैम डाई हैलाइड, जब एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। तो इसमें भी आप क्या करोगे उसी तरह देखो के ओ एच डालो, ये यहां से बेटा क्या करेगा माइनस के बी आर, ये गया प्लस हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो यहां से जो ये हाइड्रोजन है इसको निकाल दो, ये इसको दे के जाएगा माइनस एच प्लस ओ एच के साथ माइनस वाटर, तो देखो क्या रह गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और इसके साथ क्या है बी आर, ठीक है। अपने पास क्या है बेटा इसके साथ रहेगा सी एच टू, देखो ये क्या था सी एच टू, ये सी एच, हाँ यहां से नहीं बेटा, अगर हम निकाले हाइड्रोजन
ये ब्रोमीन गया लेके, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे अपने पास है बेटे, हाँ सॉरी ये तीन हाइड्रोजन आएंगी बेटे, हमने मिथाइल ग्रुप लेना है तो एक देके गए, क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CHPR। अगेन आप क्या करोगे KOH डालोगे इसके अंदर, तो अगेन KOH डालेंगे वही चीज होगी माइनस KBR माइनस वाटर, तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से ये बेटा रिएक्शन है अपनी। सेम इसी तरह एक आ जाती है अपनी डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलोल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जब जिंक की प्रेजेंस में करोगे तो जिंक ब्रोमाइड अलग और बेटा इथाइन मॉलिक्यूल अलग से बनेगा। एक रिएक्शन बेटा इसमें जो हम करेंगे वो है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा देखो क्या होता है, आपके पास है COOK डबल बॉन्ड COOK, जब हम क्या करेंगे वाटर में डाल के इसकी आयोनाइजेशन करेंगे तो यहां से ये जो दो पोटाशियम है ये अलग हो जाएंगे, तो क्या बनेगा CHCOO नेगेटिव डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव प्लस में बेटा 2K प्लस, ये बनेगा। देखो अब ये तो क्या है एनोड है, और हमने एक क्या लिया बेटा वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइजेशन हो रही है, तो ये तो देखो अपना एनोड हो गया। अब कैथोड किसको ले, पोटाशियम आयन को ले या हाइड्रोजन आयन को ले, तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को क्या मानेंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर मानेंगे। तो अपने पास देखो बेटा अब क्या होगा, आपके पास है एट एनोड जो CH डबल बॉन्ड OO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ये बेटा दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे यहां से, ठीक है, क्या बन जाएगा ये बनेगा CH CO, जिसमें आगे आप क्या करोगे यहां से ये जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके COO, ये जाएगा देके, देखो कैसे होएगा, C के साथ H है डबल बॉन्ड CH, इधर C डबल बॉन्ड O और ये O है, ये C डबल बॉन्ड O और बेटा O है, हमने अलग करना है इसको, तो अलग कैसे करोगे भी यहां देखो अगर हम होमोलिसिस कर दें, होमोलिसिस का मतलब क्या है भी ये यहां चला दें एक इलेक्ट्रॉन से और ये बेटा एक इसके ऊपर आ गया, ठीक है, इसी तरह से एक यहां चला गया और एक इस पे आ गया, अब देखो ये दोनों जुड़ के आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो अपने पास यहां से टू मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, जबकि ये जो है इसके साथ शेयरिंग करके क्या बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और टू जो CO2 है वो बाहर आ जाएगी। जबकि हम बात करें अगर एट कैथोड, आपने देखा भी जो दो हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां हमने देखा भी जो इथाइन है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इवोल्व हो रही है एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है कहां पे कैथोड पे, तो ये बेटे हमारा मेथड रहेगा। इसके बाद क्या आ जाता है बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है अल्काइन्स की, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स है बेटा इसके अंदर देखो क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो देखिए जो फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ द फैमिली है दैट इज इथाइन प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये बेटे कलरलेस गैसेस होती है, जो नेक्स्ट मेंबर है वो लिक्विड है, जबकि जो हायर है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर बात की जाए स्मेल की, तो ये जो मेंबर ऑफ द फैमिलीज हैं ये बेटे ऑर्डरलेस होते हैं, किसी भी प्रकार की इनके अंदर से ऑर्डर नहीं आती, जबकि एसिटाइलिन जो है वो कंटेन करता है फॉस्फाइन एज ए इम्प्योरिटी, जिसके अंदर जो गार्लिक है लहसुन जैसी स्मेल आती है। फिर बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, इसके अंदर कहते हैं भी सिंस जो बेटा अल्काइन है ये नॉन पोलर होते हैं नेचर के अंदर, तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा लो होगा, एंड ये कहते हैं भी ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। देखें इथेन है 184, इथीन है 170, इथाइन है 190, मतलब इन दिस केस जो मोलिकुलर मास है वो ज्यादा है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या दे रखा है ज्यादा दे रखा है बेटा। फिर बात करते हैं सोलिबिलिटी की,
सोल्युबिलिटी में देखो जो अल्काइन है, अल्केन और अल्कीन की तरह सोल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। फिर बात की जाती है डेंसिटी की, जो डेंसिटी ऑफ अल्काइन है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज। जैसे जैसे मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा डेंसिटी ऑफ अल्काइन भी इंक्रीज होगी, जबकि इन लिक्विड फॉर्म दीज आर बेटे कहता है लाइटर देन वाटर, वाटर से ये क्या होती है लाइट होती है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो आप क्या करोगे बेटे, अब हम जो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है उसको बेटा डीकम्पोज करेंगे और जो अपने पास मॉलिक्यूल है उनको कंबाइन करेंगे। जैसे आपके पास है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये दो एच यहां पे होती है, मॉलिक्यूल दिया गया है ए और बी, ये मान लो यहां पे आएगा नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो हम इस ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। मान लो मैं इधर शिफ्ट करूं तो नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो अब देखो ये कहां अटैक करेगा इसके ऊपर, जबकि ये किस पे करेगा इस पे, तो क्या बनेगा बेटा अपने पास सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ आ गया क्या आपके पास आया ए और इसके साथ क्या आ जाएगा बी, तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन है। अगेन आप क्या करोगे इसके अंदर एक मॉलिक्यूल डालोगे ए बी, तो इसमें देखिए बेटा अगेन हमने ए बी डाला, ये यहां शिफ्ट होगा माइनस, ये बेटा प्लस, हम इसको शिफ्ट कर दें किसके ऊपर इस कार्बन पे नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप देखेंगे बेटा ये अटैक करेगा अगेन इस पे ये इस पे, तो एक बार तो देखो अपने पास सेम मिलेगा, सेम क्या हुआ इसके साथ ए आ गया दोनों, इसके साथ बी आ गया देखो दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हम बेटा डिफरेंट करना चाहते हैं तो जो हम ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हैं इसको इधर कर दो, तो इन दैट केस जो ए है वो यहां लग जाएगा बी उसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा मैकेनिज्म रहेगा इसके अंदर, तो इसके बेस पे देखो हमने जो रिएक्शन करनी है, जैसे अपने पास है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, अब मान के चलते हैं अपने पास है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एड क्या कर रहे हो सीएल टू, ठीक है, तो आप ये सीएल टू एड कर रहे हो बेटा, क्या होगा इसके अंदर देखो ये यहां गया माइनस ये प्लस, इसको शिफ्ट कर दिया माइनस प्लस, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच सी एल, अगेन मान लो मैं डाल दूं दोबारा फिर से क्या होगा माइनस प्लस, फिर ये कहां शिफ्ट होएगा माइनस प्लस, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा देखो सी एच सी एल सी एल सिंगल बॉन्ड सी के साथ सी एल और ये क्या हो गया एच, तो अपने पास कंपाउंड बन गया, तो नाम क्या हो गया वन पे देखो दो बार है टू पे भी दो बार है, तो हो गया वन कोमा वन टू कोमा टू टेट्रा क्लोरो, दो कार्बन है इथ सिंगल बॉन्ड है एन, ये नाम बन गया, ठीक है। तो ये वैसे इसके अंदर नाम है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट बनता है ना इसको कहा जाता है वेस्ट्रॉन, क्या नाम देंगे वेस्ट्रॉन का, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम इस वेस्ट्रॉन को बेटा दोबारा हीट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इट फॉर्म वेस्ट्रोल, क्या बनाएगा वेस्ट्रोल बनाएगा, ठीक है। तो वेस्ट्रोल कैसे बनेगा हम ये भी कर लेते हैं, तो आपके पास है सी एच सी एल टू सिंगल बॉन्ड सी एच सी एल टू, एड किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, तो बेटा क्या होगा यहां से देखो जो पोटाशियम है एक क्लोरीन लेगा, ठीक है जी, तो अपने पास देखो जब ये क्लोरीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बेटा इसको देगा, ठीक है जी, क्या देगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगी तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस क्या हुआ KCl, माइनस क्या हुआ H2O, तो ये क्या रह जाएगा आपका CHCl डबल बॉन्ड प्लस माइनस और ये CCl2, तो इसको बेटे क्या कहते हैं वेस्ट्रोसोल। तो एक तो हमने क्या बनाया वेस्ट्रॉन और एक हमने बनाया वेस्ट्रोसोल, तो ये बेटे हमारी एडिशन रिएक्शंस है, तो इस प्रकार से आपने करनी है, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको साथ के साथ करवाया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।